हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज की वीडियो में कुछ है स्पेशल, हम बना रहे हैं आज मोमोज। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे मोमोज। और साथ में है मेरा भाई जो कि मोमोज बनाने में हेल्प करेगा। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पत्ता गोभी, मैं ले रही हूँ 2 शिमला मिर्च लिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ न्यूट्री, इनको भी मैं ग्राइंड करूँगी, इन सबको मैं बारीक चॉप करूँगी। और इसमें हरी मिर्च भी डलेगी जो कि अभी हम लाएंगे। और जो सबसे बेसिक चीज है उसका वो है मैदा, तो यहाँ पे मैंने मैदा भी लिया है। और इन सबको अब हम चॉप करेंगे इसमें बारीकी से। तो गाइस, हमने कहा हम काट चुके हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो है इसमें हमने लिया है प्याज, उसके साथ है 2 हरे कटे हुए शिमला मिर्च, उसके बाद ये हमारी है बंद गोभी, और उसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा सोया बड़ी। और सोया बड़ी को पहले हमने भिगाया, उसके बाद हमने थोड़ा सा अपने हाथ से प्रेस किया, जितना इसका पानी निकल सकता था हमने उसको पानी निकाला। और उसके बाद चॉपिंग में इसको बहुत प्यारे तरीके से चॉप कर रखा है। अब हम कर चुके हैं तेल को गरम, और तेल हमने किया है धीमी आंच पे। तो हम सबसे पहले डाल दें, इनको ज्यादा से पकाना नहीं है, अगर इन्हें ज्यादा पकाएंगे तो उसमें फिर जो पकने की जो बदबू आती है वो खराब लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डालेंगे प्याज। और उसके बाद हम डालेंगे बंद गोभी को। जितना हमारा मटेरियल है इसके हिसाब से हम 30 के करीब तो हम मोमोज बना ही लेंगे। जो 1 रुपए के 1 मोमो आते हैं वैसे वाले 40 वाले नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घर पे है तो सबको पूरा होना चाहिए। गाइस, इसमें थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हम नमक, ये है हमारे पास आयोडीन युक्त नमक, और इस नमक को डाल देते हैं, थोड़ा स्वादानुसार नमक डालें, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच अपने हिसाब से, जिस तरीके का आपको लगता है स्वाद चाहिए उस तरीके का डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, हमारे पास कश्मीरी मिर्च तो है नहीं, तो लाल मिर्च डाल देते हैं। मिर्च भी आप अपने हिसाब से डालें, और उसके बाद प्याज से इसको मिलाएं और पकने तक इसका इंतजार करें। ये मैं मैदा एक साइड से गूंद रहे हैं मैदा,
और क्योंकि पेट में आग लगी पड़ी है तो उस हिसाब से हम मैदा गूंद रहे हैं। आग तो नहीं लगी पड़ी है, और देखते हैं मोमोस बनेंगे कब और खाएंगे कब। और बनाए छोटी छोटी गोलियां, और इस गोली के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से गोल बनाए, बिल्कुल कोई से भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद इसको फैलाएं इसे प्यार से, गाइज इस तरीके से करें। इसे थोड़ा सा इसमें मसाला लगाएंगे और इसको हम ऐसे करके फोल्ड करते हुए मारते हुए हम इसको जाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और जैसा भी बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। सही बने। तो यहाँ पे मैंने पानी रख लिया है सबसे नीचे वाले बर्तन में गरम करने के लिए। तो जब तक हम मोमो बनाते हैं तब तक हमारा पानी गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मोमो रख देंगे स्टीम के लिए। तो पानी तो लगभग गरम हो गया है, उबलने लग गया है। तो बन गए हमारे मोमोज, और चटनी भी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, और मोमोज बहुत टेस्टी हो रहे थे, और आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा।